यूपी की योगी सरकार की दो बच्चे और सरकारी नौकरी वाली पॉलिसी ने सबको चौंका दिया है। कोई इसके पक्ष में है तो कोई इसके विरोध में। कुछ लोगों का तो यह भी तर्क है कि यह कानून राजनेताओं के लिए क्यों नहीं है, अगर उनके भी दो से अधिक बच्चे हैं तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यह कानून उनके लिए भी होना चाहिए। इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहा कि एक बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2018 में 5.5 लाख नवजातों की मृत्यु हो गई। इस हिसाब से रोजाना 1600 से भी अधिक नवजात एक दिन में मरे। वहीं दूसरी ओर भारत में हर 53 सेकंड में हार्ट अटैक से एक मृत्यु हो रही है। प्रजनन दर की बात करें तो प्रति मिनट 25 बच्चे पैदा हो रहे हैं। यह आंकड़ा उन बच्चों का है जो अस्पताल में पैदा होते हैं। गांव कस्बों में पैदा होने वाले बच्चे जिनका जन्म घर में होता है वह इस सूची में शामिल नहीं है। लगातार खबरों में बने इस मुद्दे पर विशेषज्ञ अलग अलग विचार प्रकट कर रहे हैं। कईयों का कहना है कि इसमें लिंगानुपात में भी एक बड़ा अंतर आ जाएगा, जैसा कि आज चीन में है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 7 करोड़ से कम है। इतना ही नहीं, यह अंतर युवा पीढ़ी में भी देखने को मिलता है। चीन की जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए साल 1979 में वन चाइल्ड योजना शुरू की गई थी, जिसका नतीजा यह है कि आज चीन में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या ज्यादा है जबकि युवा कम। एक सर्वे के अनुसार चीन में 20 साल से कम आयु वर्ग में लड़कों की संख्या लड़कियों से 5 करोड़ अधिक है। इस अंतर के बाद चीन ने 3 बच्चों वाली नीति को भी पारित किया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 2 बच्चों वाला कानून आता है तो इससे गर्भपात में भी बढ़ोतरी होगी। जनसंख्या मामले के संगठन पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक पूनम मुत्रेजा का कहना है कि दुनिया भर में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां देशों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए स्थिर प्रजनन दर और आयु वर्ग वाली आबादी बेहद जरूरी है। यह सिर्फ भ्रम है कि भारत में आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि भारत में साल 2000 में प्रजनन दर जहां 3.2 थी, वही साल 2018 में घटकर 2.2 हो गई थी। जनसंख्या नियंत्रण के मामले इस तरह की बात पहली बार नहीं हो रही है। दक्षिण भारत के कुछ राज्य असम में यूपी से पहले इस बात की पहल की जा चुकी थी कि जिनके 2 बच्चे होंगे उन्हें ही सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब यह बहस राष्ट्रीय स्तर की बहस हो गई है जिस पर हर कोई चर्चा कर रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ एक देशों के बारे में जो बहुत जल्द ही कम आबादी से जूझने वाले हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है चीन का, जिसके सर अब तक विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश का खिताब था। खबरों की माने तो चीन की आबादी 1 अरब 41 करोड़ है। आने वाले समय में यह घटकर 73 करोड़ हो जाएगी। जापान टेक्नोलॉजी के मामले में भले ही सबसे विकसित देश है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से यह विश्व का सबसे ज्यादा बुजुर्गों का देश है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2040 तक बुजुर्गों की आबादी 35% हो जाएगी। सर्वे की माने तो साल 2020 की जनगणना के अनुसार जापान की आबादी 12.62 करोड़ है, जो सदी में घटकर सिर्फ 30 लाख हो जाएगी। इटली एक विकसित देश है, लेकिन बहुत जल्द ही यह भी जनसंख्या की कमी से जूझने वाला है। इटली में बुजुर्गों की संख्या 2019 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 23% 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं। इस मामले में मुस्लिम देश भी पीछे नहीं है। मौजूदा समय में ईरान की आबादी 8.30 करोड़ है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण यहां के लोग कम शादी कम बच्चों पर जोर दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 30 सालों में सबसे अधिक बुजुर्गों वाले देश में ईरान भी शामिल हो जाएगा। बढ़ती आबादी से अमेरिका भी परेशान है। एक समय में ब्राजील की संख्या विश्व के अत्यधिक जनसंख्या वाले देशों में थी। साल 1960 में यहाँ प्रजनन दर 6.3 थी, जो हाल के सालों में घटकर 1.7 रह गई है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 में ब्राजील की आबादी 21 करोड़ थी, जो 2100 में घटकर 16 करोड़ के करीब हो जाएगी। खैर, साल 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है। कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह की योजनाएं चुनावी माहौल को देखते हुए लाए जाने की बात की जा रही है।